भाई मैं आपसे एक बात बोलूंगा, मेरे बोलते ही आप वीडियो को लाइक कर देना। अरे भाई आपकी वीडियो हम लाइक ना करें, आप बोलो मी यूआई के नए फीचर्स। भाई क्या सोच रहे हो? अबे सोच रहा हूँ गाली तुझे दूं या शोमी को। अबे हमें तो कोई फीचर मिलता ही नहीं, तो तू लाइक कहाँ से ढूंढ रहा है? तो यार मेरा नाम है रोहित। तो आपने कमाल कर दिया, कल की वीडियो को आपने 1000 से भी यार ज्यादा लाइक्स दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। नया सिस्टम लॉन्चर आया है तो उसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर पसंद आती है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यार नॉर्मली जो सिस्टम की अपडेट्स होती हैं, ऐप्स अपडेट की जो अपडेट्स होती हैं, वो यहाँ पर सिस्टम ऐप अपडेटर में आती हैं, तो यहाँ से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना अगर आपको यहाँ पर टैप करना पड़ता है और आप गेट ऐप्स में जाकर जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो न्यू सिस्टम लॉन्चर की जो अपडेट है शायद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आपके डिवाइस में, या ये सिस्टम के साथ ही आएगी जब आपको मी यूआई 13 देखने को मिलेगा। पर आप इसे अभी जो है वो ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर ये जो सिस्टम लॉन्चर का जो एपीके है, ये जो है वो इंडिया के लिए ही पैसिफिक है। तो अगर आप इंडिया का डिवाइस यूज करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये एक स्टेबल वर्जन है, आप जरूर इसे ट्राई कीजिए। तो यहां पर मैं आपको जो है वो दिखा देता हूं इसका वर्जन नंबर क्या है पहले, तो ताकि आपको जो है वो इंफॉर्मेशन हो सके कि क्या वर्जन नंबर है। तो सिस्टम लॉन्चर ढूंढते हैं, रिलीज 4.25.1 4552062711643। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर डिसेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो है अपडेट के साथ आया है, तो ये एक स्टेबल ऑफिशियल इंडिया के लिए है, क्योंकि मैं जो इंडिया की ही जो है अपडेट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं SKFINXM। तो ये जो सिस्टम लॉन्चर है वो आपको सिस्टम में ही देखने को मिलता है, पर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो एपीके है आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा, ये मेरा ग्रुप है, यहाँ पर मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये जो है वो एपीके है, तो अगर आपने अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो है ऑफिशियल स्टेबल लॉन्चर है इंडिया का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर कुछ एरर आता है, इंस्टॉल नहीं होता है, इसका मतलब है आप अल्फ़ा का यूज़ कर रहे हैं, पहले उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए फिर इसे इंस्टॉल कीजिए। अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स में अब आप जाते हैं तो आपका जो डिवाइस, आपको ये एनिमेशन तो नहीं मिलेंगे अगर आपका डिवाइस 6GB से नीचे है। तो अगर आपका डिवाइस 4GB रैम वेरिएंट है तो आपको ये एनिमेशन देखने को नहीं मिलेंगे, और या ना ही आपको जो अनलॉक एनिमेशन देखने को मिलते हैं अगर आप 4GB रैम डिवाइस करते हैं। पता नहीं यार शोमी ने क्यों रिमूव कर दिया, बोलते हैं जो वो क्या है, क्या बोलते हैं उसे, कि परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट एंड ऑल दैट, चलिए जो भी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास 6GB रैम विद 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिवाइस है तो अब आपको फास्ट, बैलेंस एंड रिलैक्स्ड यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, यानी कि ये तीन जो हैं जो आपके डिवाइस को काफ़ी स्मूथ एंड फास्ट कर देंगे, तो ये मैंने नोटिस किया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाते हैं विजेट सेक्शन में जाते हैं तो विजेट सेक्शन चेंज नहीं होता है, पर अगर आप यहाँ पर जाते हैं डू नॉट शो टेक्स्ट भी आता है, तो आप जो एप्लीकेशन के नाम भी हटा सकते हैं, और यहाँ पर जाते हैं तो कैमरा और गैलरी, यहाँ सॉरी जीमेल लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक और नया फीचर जो है वो यहाँ पर आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग्स में जाते हैं तो ये फीचर नहीं है, पहले भी था सेट एज डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन, तो ये जो है थोड़ी लेआउट जो अल्फ़ा में है वो डिफरेंट चल रही है, 2 आते हैं, यहाँ पर अभी भी 3 है। तो यहाँ पर आप जो है वो टैप कर दीजिए तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यार ये जो है वो सिस्टम लॉन्चर नया आया है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। पर अगर आपको ये सिस्टम लॉन्चर पसंद नहीं है तो आप सिंपली यार यहाँ पर मैनेज ऐप्स में आकर यहाँ पर जो है, मैं तो नहीं करने वाला क्योंकि ये ऑफिशियल है, यहाँ पर बस सिस्टम लॉन्चर ढूंढ लीजिए और आप जो है वो लेआउट अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो मैं तो नहीं करने वाला क्योंकि मेरे में तो आया ही था, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं अगर ऑलरेडी आया हुआ है एज ऑफिशियल। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तो ये आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।